आज हम बात करेंगे घुटने के दर्द के बारे में। ये एक आम दर्द है जो कि तकरीबन हर उम्र में, तकरीबन हर घर में पाया जाता है। आज हम ये देखेंगे कि दर्द है क्या, इसकी अलामत क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी तशखीस हम कैसे कर सकते हैं, इसका इलाज कैसे होगा और इससे बचने की एहतियात क्या हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद करीम है, मैं इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं बतौर कंसल्टेंट मियो हॉस्पिटल लाहौर और ओजोन क्लिनिक सिंगापुर मेडिकल सेंटर अलामा इकबाल टाउन लाहौर में अपने फ़राइज सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम बात करेंगे घुटने के दर्द के बारे में। ये एक आम दर्द है जो कि तकरीबन हर उम्र में, तकरीबन हर घर में पाया जाता है। आज हम ये देखेंगे कि दर्द है क्या, इसकी अलामत क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी तशखीस हम कैसे कर सकते हैं, इसका इलाज कैसे होगा और इससे बचने की एहतियात क्या हो सकती है। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये दर्द है क्या। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये किसी भी उम्र में हो सकता है, वो जो लोग यंग हैं उनको स्पोर्ट्स में या कोई घुटना टेढ़ा होने से भी हो सकता है, और वो जो जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी एज ब्रैकेट ज़्यादा है, उनका घुटने का आर्थराइटिस या घुटने के स्पेस में कमी होने की वजह से ये दर्द हो सकता है। और कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई ना कोई घुटने का मरीज़ मौजूद ना हो। अब आते हैं इसकी अलामत की तरफ। अगर घुटना हिलाने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए, ज़्यादा देर एक जगह पे खड़ा ना हुआ जाए, घुटना बेंड करने में प्रॉब्लम हो, नमाज ना पढ़ी जाए, वॉशरूम ना जाया जा सके, ज़मीन पे बैठ के उठा ना जा सके, घुटने में सोजन शुरू हो जाए, घुटने का रंग तब्दील हो जाए, स्किन की रंगत तब्दील हो जाए, चलने में मुश्किल होनी शुरू हो जाए, तो ये वो तमाम अलामत हैं जो ये जाहिर करती हैं कि घुटने के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। इसकी वजूहात में ये बात याद रखें कि घुटना सबसे कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। इसमें बेशुमार लिगामेंट्स, बेशुमार मसल्स और बेशुमार पट्टे मौजूद हैं जो कि अपना अपना काम करते रहते हैं। यंग लोगों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन वजह है वो घुटने का स्प्रेन या लिगामेंट का स्ट्रेन, या ये समझेंगे जब किसी चोट लगने की वजह से घुटने के पट्टे खिंच जाते हैं तो उसमें दर्दें शुरू हो जाती हैं। और बड़ी उम्र के लोगों में सबसे ज़्यादा कॉमन वजह आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस का मतलब ये हुआ कि दो हड्डियों के दरमियान जो छोटी हड्डी होती है वो भुरना शुरू कर देती है, जिससे दो हड्डियों के दरमियान स्पेस कम हो जाएगी। जब घुटना मूव करेगा तो वो दो हड्डियों के दरमियान जो मसल्स आते हैं उनमें डैमेज होनी शुरू हो जाएगी और वो दर्द होनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि घुटना बेंड करने में प्रॉब्लम, सीधा खड़े होने में प्रॉब्लम, और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। दूसरी वजूहात में क्या देखेंगे, जैसे घुटने में सोजिश हो जाती है, घुटने में इन्फेक्शन हो जाती है, बाज़ औक़ात घुटने में पानी पड़ जाता है जिससे घुटने की में स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। एक और बात याद रखने की है कि सर्दियों में आमतौर पर घुटने में दर्दें ज़्यादा होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि सर्दी की वजह से घुटने के अंदर जो लुब्रिकेशन मटेरियल है वो जमना शुरू कर देता है। उस जमने की वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, उससे दर्दें ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। अब आते हैं इसकी तशखीस की तरफ। तशखीस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो क्लिनिकल हिस्ट्री है, जो मरीज़ आपको बता देगा कि उसे चोट लगी है या एज के साथ उसको दर्द शुरू हो गई है। उसके बाद हम इसका एक्सरे कर सकते हैं, अगर कोई फ्रैक्चर है, कोई इंजरी है तो उसमें आ जाएगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हम आजकल जो करते हैं वो अल्ट्रासाउंड है। घुटने में अगर कोई पट्टा डैमेज है, कोई मसल डैमेज है, कोई लिगामेंट डैमेज है, कोई मेनिस्कस डैमेज है, तो वो भी उसमें नज़र आ जाएगा। घुटने में अगर पानी भरा हुआ है, कोई पानी की थैली बन गई है, वो भी अल्ट्रासाउंड में नज़र आ जाएगी। और अगर मज़ीद डिटेल चाहिए हो तो हम उसका MRI भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज का हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक वो इलाज हम अपने घर में कर सकते हैं और एक वो इलाज जो डॉक्टर के पास जाके हो सकता है। घर में आमतौर पर घुटने का इलाज कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम इसमें वही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो हम पहले भी किसी वीडियो में इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसका हम राइस कहते हैं। इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। R का मतलब है कि रेस्ट। अगर ये महसूस हो कि घुटने में दर्द हो गई है, कुछ स्वेलिंग हो गई है, पट्टे सूजना शुरू कर दिया, तो उसको रेस्ट दे दें। एक्सरसाइज से परहेज़ करें, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से परहेज़ करें, उसको बेंड करने से परहेज़ करें। फिर I का मतलब है आइस, मतलब आप इसको ठंडी टिकोर करें। अगर घुटने में ख़ास तौर पर अगर स्वेलिंग है तो हम उसमें बर्फ़ लेके उसको किसी तौलिया में लपेट के 2 घंटे में 5 मिनट के लिए इसको टिकोर कर सकते हैं।
बाज़ औक़ात हम गर्म टकोर भी एडवाइज़ करते हैं, लेकिन वो उस सूरत में अगर घुटने में स्वेलिंग नहीं है तो। फिर कंप्रेशन है, कंप्रेशन का मतलब ये हुआ कि आप घुटने के इर्द-गिर्द पट्टी बांध सकते हैं या जो बाज़ार से आम तौर के ऊपर जो स्टॉकिंग्स मिलती हैं उसको चढ़ा दें ताकि घुटने को रेस्ट मिलता रहे। फिर एलिवेशन, रात को सोते वक्त अगर आप अपना एक तकिया पाँव के नीचे रखें तो घुटना थोड़ा सा एलिवेट हो जाएगा, इससे भी घुटने को रेस्ट मिलेगा, इससे भी स्वेलिंग कम होगी, इससे भी मसल रिलैक्स होंगे और इससे भी मसल इंजरी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। फिर हमें अपना वेट कम करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई चीज़ ट्रिगरिंग फैक्टर है, मसलन सीढ़ियाँ चढ़ने से दर्द हो रही है, तो उससे परहेज करें। फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी डाइट, वेट कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आर्थराइटिस में भी और तमाम किस्म के घुटनों के दर्द में आपको मदद दे सकती हैं। अब ये बात याद रखने की है कि वो कौन सा वक्त होगा जब आपको ये डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। मसलन अगर आपने सारे टोटके आजमा लिए और दर्द ठीक नहीं हो रही, घुटने में स्वेलिंग ज़्यादा हो गई है, घुटना बेंड करने में प्रॉब्लम हो गया है, घुटने का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, आपको बुखार होना शुरू हो गया है, ये तमाम वो अलामत हैं जिसका मतलब ये है कि अब ये बात डॉक्टर साहब के पास जानी चाहिए। हम ओजोन क्लिनिक में घुटने के दर्द का इलाज करते हैं। हम एक्सरे के बाद इसका अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, जिसमें ये पता चल जाता है कि घुटने के अंदर पानी है कि नहीं। बाज़ औक़ात घुटने के पिछले हिस्से में पानी की थैलियाँ बन जाती हैं जिसको हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ड्रेन कर सकते हैं। फिर हमें ये भी पता चल सकता है अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कि घुटने का कौन सा हिस्सा डैमेज है। तो ये बात याद रखने की हर घुटने के अंदर हाई डोज ऑफ स्टीरॉयड लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर अल्ट्रासाउंड करें, हम एक पिन पॉइंट कर सकते हैं कि किस पट्टे को डैमेज है, उसको हम एक इंसुलिन की सिरिंज लेके उसके साथ इंसुलिन की नीडल के साथ उसके ऊपर ओजोन लगा सकते हैं जो कि एक ऑक्सीजन है, जो कि किसी किस्म का जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ये घुटने की दर्द को, घुटने की इन्फेक्शन को, घुटने की सोजिश को और ख़ासतौर पर वो मसल या लिगामेंट जो दर्द कर रहा है उसको ये ठीक कर सकती है। फिर हम घुटने की PRP कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसमें से ब्लड निकालते हैं, ब्लड के अंदर उसकी PRP बनाते हैं, उसके ख़ास तरीके से घुटने के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। ये ख़ास तौर पे वो लोग जो घुटने का ऑपरेशन नहीं करा सकते, घुटने को तब्दील नहीं करा सकते, किसी वजह से उनकी सर्जरी नहीं हो सकती, उनके लिए बेहद बेहतरीन ट्रीटमेंट है। अगर उसके साथ ओजोन मिक्स कर लीजिए तो इसकी इफ़ेक्टिविटी और ज़्यादा हो जाती है और इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई नुकसान भी नहीं है। फिर पेन किलर्स दी जा सकती हैं, उसके साथ अगर कोई टेम्परेचर है तो एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हैं और घुटने की ताकत के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात मौजूद है जो कि हम दे सकते हैं। आखिर में आते हैं एहतियात की तरफ। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपना वज़न कम रखें, अपनी डाइट कंट्रोल में रखें, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखें और जिस एंगल में घुटने में दर्द हो रही है उस एंगल पे मूव करने को परहेज करें, घुटने को थोड़ा सा रेस्ट दें तो इंशाल्लाह इसकी नौबत ही नहीं आएगी कि आपको किसी को ये दिखाना पड़े। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस अपने टाइम पे मिलती रहें। शुक्रिया।